नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल न्यूज सपाटा। यहां बात करेंगे मोबाइल्स के बारे में, क्योंकि जब भी हम मोबाइल लेने जा रहे हैं बाजार में तो ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन सा मोबाइल लेना है, यानी कि 4GB 64GB वाला लेना है या 6GB 128GB वाला लेना है या फिर 8GB 256GB वाला मोबाइल लेना है। तो यहां बात कर रहा हूं जैसे 4GB 6GB या 8GB, ये है आपका रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये पता होना चाहिए कि इसकी फंक्शनिंग क्या है और स्मार्टफोन में या एंड्रॉइड फोन में इसका रोल क्या है। अगर ये हमें पता होगा तो आपको क्लियर हो पाएगा कि आपको मोबाइल लेना कौन सा है। इसी प्रकार रोम की बात कर लेते हैं, 64GB रोम वाला हम लें, 128GB रोम वाला लें या फिर हम 256GB रोम वाला लें, कौन सा मोबाइल लें। तो इसकी फंक्शनिंग भी हमें जब तक पता नहीं होगी तब तक हमें ये मालूम चलेगा ही नहीं कि हमारे लिए कौन सा मोबाइल ठीक है। और हमारी इसी लैक ऑफ नॉलेज का फायदा मोबाइल कंपनियां उठाती हैं, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ नया देना होता है। ऐसे में थोड़ा बहुत चेंज करके नए नए मोबाइल्स मार्केट में आ रहे हैं और हमारी जेब से 1000 से 2000 रुपये बड़ी आसानी से कंपनियां निकालने में सक्सेस हो रही है। तो ये एक बार आपको समझ में जब आ जाएगा कि कौन सा मोबाइल लेना है तो आप अपने लिए पैसे भी बचा पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर रैम का काम क्या है। तो आप सभी को मालूम है कि आजकल वो जमाना तो रहा नहीं कि कीपैड वाले मोबाइल हम ले, सारे के सारे फोन्स स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन्स है। तो इसमें जो बेसिकली रोल है वो है एप्स का, और रैम का सीधा सीधा जो सिस्टम है वो एप्स से जुड़ा हुआ है, यानी रैम केवल और केवल आपके मोबाइल में एप्स को मैनेज करती है। अब मान लीजिए आपको एप्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप बहुत ज्यादा एप्स को यूज करते हैं, यानी कि आपके मोबाइल में 60 से 70 ऐप अगर होते हैं तो आपको 6GB की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अमूमन सामान्य आदमी की बात करें तो वो यूज क्या करता है मोबाइल का। तो जब तक आपको अपने मोबाइल के यूज नहीं पता होंगे तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको 4GB 64GB वाला ठीक रहेगा या फिर 6GB 128GB वाला या फिर इससे ऊपर। मोबाइल के यूज क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम कॉल्स अटेंड करते हैं, दूसरी बात कॉल्स मेक करते हैं, यानी कि फोन हम सुनते हैं और फोन हम करते हैं। फिर इसके बाद हम सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हैं, जिसमें आपका व्हाट्सएप है, जिसमें आपका इंस्टाग्राम है, जिसमें आपका फेसबुक है, जिसमें आपका यूट्यूब है, या फिर जिसमें आपके और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो यूज करते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग डाटा को एक्सेस करते हैं मोबाइल पर, चाहे वो फाइल्स आपकी PDF हो, चाहे वो फोटोज हो, चाहे वो JPEG हो, चाहे वो ZIP हो, किसी भी तरह की फाइल्स हो, वो भी आजकल मोबाइल पर हम एक्सेस कर लेते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, वीडियोस डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वीडियोस की स्ट्रीमिंग, यानी कि हम लोग स्ट्रीमिंग देखते हैं, जो मोबाइल में हम लोग फिल्म्स वगैरह देखते हैं, मूवीज देखते हैं, वो देखते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, मोबाइल में सॉन्ग यूज करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। इसके अलावा कोई यूज है आपका, अगर है तो कमेंट में जरूर लिखना कि आप मोबाइल में इनके अलावा ये यूज भी करते हैं। ऑनलाइन क्लास भी इसी श्रेणी में आ गई, क्योंकि वो भी वीडियोस वगैरह ही बनाने की श्रेणी में है। तो इसके अलावा मोबाइल का यूज अगर आप करते हैं तो आप बताइए। चलिए, अगर आप ये सब यूज करते हैं, अब एक चीज और बची, वो है आपका गेम का। तो अगर आप मान लीजिए हाई एंड गेम नहीं खेल रहे हैं, सामान्य मोबाइल्स वाले गेम खेल रहे हैं, फ्री फायर टाइप के जो गेम खेल रहे हैं, तो ये सब लगा करके, फ्री फायर भी लगा करके, तो आपके लिए 4GB 64GB वाला, 4GB रैम और 64GB रोम वाला मोबाइल सफिशियंट है, जो कि मार्केट में 12 से 13 हजार 14 हजार तक बड़े आराम से मिल जाता है। मैंने लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं बढ़िया फोन्स के, आप वो ले सकते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना फोन हैक करेगा ना फोन लैग करेगा, ठीक है। ये क्यों करता है वो भी आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपको मेरे साथ वीडियो में डटना है, तो काफी अच्छे नॉलेज आप लेकर के जाएंगे। अब बात करते हैं कि 6GB और 128GB वाला मार्केट में फिर क्यों है, ठीक है। जब रैम का काम केवल और केवल मोबाइल एप्स को मैनेज करना है तो फिर 6GB वाला मार्केट में क्यों है। कई बार क्या होता है कि हम लोग हाई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ठीक है, तो हाई जो वैलिडिटी के सॉफ्टवेयर्स हैं उनको जब यूज करते हैं तो जो काफी ज्यादा स्पेस लेते हैं वो, तो ऐसे में एप्स को मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। और कई बार एप्स की मान लीजिए हमको जरूरत ज्यादा होती है, अगर मान लीजिए 40 से 50 के बीच आपको एप्स मोबाइल में है तो 4GB 64GB वाला बहुत है। अगर इससे ऊपर जाते हैं, 60 एप्स हमारे पास है, 70 एप्स है, इसके अलावा हाई एंड गेम्स हम खेलते हैं, या फिर हम मान लीजिए कि काफी ज्यादा डाटा मैनेज करते हैं, तो फिर 6GB और 128GB, यानी कि 6GB रैम और 128GB रोम वाला मोबाइल हमारे लिए सफिशियंट है। इससे ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फिर भी काफी भाई बहन ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, ये देख करके मोबाइल खरीदते हैं कि ये मोबाइल की रेट कितनी है, क्योंकि वो उनके स्टेटस सिंबल होता है। तो ऐसे भी इन भाई बहनों को मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है ना, आप जो भी कहें कह सकते हैं, लेकिन ऐसी आजकल तादाद बहुत ज्यादा है जिन्होंने मोबाइल्स को स्टेटस सिंबल से जोड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें अपनी जेब भी देखनी है। तो अब जब 128GB तक आपके लिए सफिशियंट है, 6GB रैम और 128GB रोम सफिशियंट है, तो फिर मार्केट में 8GB वाला और 256GB वाला क्यों है, 8GB रैम वाला 256GB रोम वाला फिर क्यों है।
एक्चुअल में क्या होता है कि काफी सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें काफी सारे हैवी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, या फिर हमें मान लीजिए कोई प्रोग्रामिंग्स करनी है, या फिर हमें मान लीजिए कोई बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, या फिर कोई मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी फाइल है जिन्हें हमें एक्सेस करना है, भेजना है, वापिस मंगवाना है उसके लिए, या फिर बहुत भारी गेम हमें कोई खेलना है, तो उसके लिए 256 GB वाला हमारे लिए मोबाइल सफिशियंट है। तो केवल और केवल गेम बेस की हम बात करें तो फिर हमें 128 GB से ऊपर 256 GB तक जाना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे फिर वो आपके मोबाइल्स हो। ठीक है, तो अब समझ में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपका वो सब काम जो मैंने आपको बताया है मोबाइल से केवल उतना ही करते हैं, तो 4 GB 64 GB वाला ही मोबाइल आपके लिए सफिशियंट है, और 6 GB 128 GB वाला लेना है तो भी आपको 15,000 से 16,000 के बीच मिल जाएंगे। बहुत अच्छे सैमसंग कंपनी आपके पास है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अलावा शाओमी आपके पास बहुत अच्छी कंपनी है, इसके अलावा पास रियलमी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन सबसे बेटर मोबाइल आते हैं वन प्लस के, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं। इस प्रकार हमें स्ट्रीम में थोड़ा सा डाउनफॉल जाकर के भी ले सकते हैं। इन सब कंपनियों के बेटर मोबाइल्स के लिंक आपको मिलेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो मेरे ख्याल से आपके लिए सही है। तो अपना यूज देखिए और मोबाइल चुनिए। कमेंट में अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपको जवाब भी मिलेंगे और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।